Hey, what's up everyone? Welcome back once again to my channel, this is Ugyan. तो एक पुराना वीडियो पड़ा हुआ था मेरे डिवाइस में, जैसे कि मैं दिल्ली सीरीज का व्लॉग एडिट कर ही रहा था तो सोचा क्यों ना इसको भी अपलोड कर दे उससे पहले, क्योंकि प्रेजेंट जो मेरे लाइफ में चल रहा है वो तो आपको दिख ही जाएगा, मगर जो पास्ट में बीत चुका है मैं सोचा वो भी आपको दिखा दूँ। तो एक प्लान बना था मेरे क्लासमेट्स, जो हमने LLB अपने क्लियर करने के बाद हम लोग मिले नहीं थे, तो उनके साथ एक छोटा सा गेट टुगेदर था, तो मैं सोचा वो आपको क्यों ना दिखा दें। तो उस दिन हम गए थे अखनूर घूमने के लिए, अखनूर फोर्ट, और वहाँ पे बोटिंग वगैरह जो भी था वो हम करके आ गए। तो चलिए आपको वो दिखाता हूँ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। झूले, हेलो ब्रो, जय श्री राम। जय श्री राम। ये मेरा दोस्त मिला मेरे को पाँच महीने के बाद हम मिले, हम घूमने जा रहे हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा रुक, हाँ ये देख मेरी बाइक को दिखा, सभी 6 है। 66,666 कितना चला मेरा बाइक। चलो आगे निकलते फिर, हमारा एक और दोस्त आ रहा है एक्चुअली, उसको हम पिक करेंगे। पिक नहीं करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे, उसके पास भी बाइक। अच्छा, बाइक ला रहा हूँ। ओके, हम उसको ज्वाइन करेंगे। क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, वेट कर रहा हूँ शिवाजी का। किसका वेट कर रहे हैं? शिवाजी का। वो कौन है? वो भी है वकील है, ऐसे लोग मानते, मैं नहीं मानता। वाई 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 वाई, देख भाई ने क्या चिपकाया है। वकील साहब, हमारे वकील साहब है। अच्छा एक्चुअली हम दोनों यहाँ पर पहुँच गए मिस्ट्री वाला चौक, तो इधर हमारा एक और दोस्त आ रहा है तो उसका वेट कर रहे हैं थोड़ा, फिर आगे निकलते हैं। आधा घंटा हो गया अभी, वो भाई अभी तक नहीं, अभी इधर छाँव भी नहीं मिल रहा, हम लोग आगे पीछे पता नहीं ये क्या है, रेडी है क्या? रेडी के नीचे पीछे बैठेंगे छाँव में। शिवाजी नहीं आया, उसको 25 मिनट हो गया। मैंने आधा घंटा पहले से बोल रखा है, 25 मिनट आधा घंटा बोला मैंने, 25 बोला। हमें लग रहा है शिवाजी आएगा, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट फॉर्मल शूज, और वो बैग लाता है। हम लोग बैग लाते हैं, वो बैग लाता है, और वो स्नेप भी बनाता है। हमारा बेस्ट फ्रेंड है, इसको कुछ नहीं कह सकते हम, और सबसे सिंसियर बंदा है, सिंसियर बंदा, हार्ड वर्किंग, बहुत बड़ा वकील बनेगा एक दिन, मार्क माय वर्ड्स। अभी अगर जिंदा रहा तो कॉल आया उसका, कॉल आया बिल्कुल। हेलो, गुरुद्वारा के पास ही है ना हम लोग, इधर ही है, इधर है वो दिख रहा है, इधर रोड के उस पार। घूम चले, ये हमारे भाई। हेलो भाई, कैसे हो सब लोग? महीने के बाद हम मिले। कैसे हो? सब लोग जो देखने वाले। और आपको मैं बता दूं, मैंने जैसा कि बोला था कि हो सकता है शिवाजी हमारा व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज में आए, और बैग लेके आए, बट वो बैग नहीं लाया, बट स्टिल ही कैन यूज द स्नेप। और कैसा? ठीक हो? हमारी ना सिर्फ फोन पे बात होती थी, आज आज बड़े मेरे को भी लाओ ना। ये है जो भी है, ये फालतू आदमी। चलो फिर। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. कौन जा रही है ये? जिनाब ब्रिज अखनूर। पहुँच गए हैं हम जहाँ पे पहुँचना था। आए थे कोल्ड ड्रिंक लेने, और शिवाजी के लिए बीड़ी ले रहे हैं शिवाजी के लिए। शिवाजी बीड़ी लवर है, मजाक कर रहे हैं। चलो और क्या करें, कौन सी करेंगे ना बाद में, तू दे। अरे कर देंगे, पानी की बॉटल भी दे दो, एक पानी का बॉटल दे दो अंकल। हम लोग पानी ले रहे हैं और चिनाब के साइड पे बैठ रहे हैं जाके। मतलब वही हिसाब होगा, समुंदर में रह के भी प्यासे हैं हम, उसके सामने नहीं खाते। क्या पता, मैं तो गया ही नहीं कभी, मूर्तियाँ होंगी बिल्कुल सही। पहले आगे और भी तो है वो, वहाँ पे चलने के लिए ट्रैक,
भाई पता नहीं मैं पहली बार ही। क्या बात कर रहा है? ऐसे तो आया हूँ यहाँ पे नहीं। देख यार ये देखो, शर्म आनी चाहिए इसको। ऐसे ऐसे इस साइड नहीं, आर्कियोलॉजिकल साइट है यहाँ पे घूमने नहीं आया। मैं ये सिर्फ जाता है, ये सिर्फ शास्त्री नगर में नान खाता है बस। अरे फिर लाइब्रेरी जाता है और कुछ नहीं। नहीं यहाँ पे और अपना बाइक सर्विस पे देता है बस, और कुछ नहीं करता है। देखो यार ये इन चीजों को देखना होता है भाई, एक्सप्लोर करना होता है। अच्छा क्या बनेगा यार, गलती हो गई मेरे से। गलती दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। बात बताओ, मैं पहला आया था इधर तकरीबन साल बार पहले, ठीक है। तो ये आगे जो जंगल दिख रहा है वो पूरा खाली मैदान था। इतना फर्टाइल जमीन है ना, देखो कोई केयर की जरूरत नहीं है, सिर्फ बारिश गिरती है और देखो कितना हरियाली होगी। देखते होंगे वो तो पार ही नहीं करते होंगे, ये क्यों नहीं करते होंगे? नाव लेके आते होंगे। हाँ तो क्या हमें दिखाने वाला था जब वो नाव पे आती होंगी? अबे वो ये दिखाने वाला था यहाँ से गोलियां तो चलती होंगी। और आज मैं इन दोनों को एक खुफिया जगह पे लेके जाने वाला हूँ। मेरी हॉन्टेड, और ये जगह है हॉन्टेड जगह जहाँ पे लोग यहाँ पे मारे गए थे। कुछ तो करते थे। आ जाओ, ये सच में हॉन्टेड है। और किसी इसकी सीढ़ियाँ हैं, लग रहा अभी गिरेगा। सोचो यहाँ पे कैसे चढ़ते होंगे। और इस ये टावर है। यहाँ पे क्या बंदूकें लेके होते थे? हाँ। ये तो अंदर ही सारे खुल रहा है। ये तो महल की तरफ ही खुल रहा है। हाँ। तो बाहर ही गए ना। हाँ। जब ये किला ठीक रहता था ना, यहाँ से देखा ना, यहाँ से गोले क्या 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 पता था। ये पुराने जमाने का हुआ है, सीमेंट लग रहा है। सीमेंट ही लग रहा है, मिट्टी नहीं लग रही। देख कितना पक्का था यार। इंटरव्यू इसी जमाने की है ये, क्या पता। और तुम लोग लोकल हो यार, तुम लोगों को पता होना चाहिए। मुझे पूछो, मैं आया हूँ लद्दाख से, हद हो गया। लोकल का हम इंटे बनाते थे यहाँ पे। ये देखो ये दोनों यहाँ के जम्मू के, ठीक है, ये ठीक है। मुझे इनको पता होना चाहिए इन आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में। ये मेरे को पूछे, ये इंटे पुराने जमाने के थे? नहीं नहीं, हमें पूछ रहा है हालत है, हमें पूछ रहा है। देखो बात यह है कि मैं एक अलग किले में रहता था, मेरा किला किश्तवाड़ में था। मेरा किला राजौरी में था भाई। अब मैं क्या बोलूं इनको, क्या ही बोलूं। अब हो गया डिस्कशन खत्म, चलो। लेकिन दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। ये देख, ओए अरे भाई साहब, क्या हम बोल जा सकते हैं? जी बिल्कुल। क्या पंगा है इसमें, तो दिख ही नहीं रहा। कितना स्टिफ है, देखो स्टिफ है। वो गिर जाएगा भाई, और हमसे हाथ गिर जाएगा। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, तो नहीं गिरता, तो नहीं गिरता था। यहाँ तो जगह ही नहीं। अबे यार थक गया। तो हम किले के इस पार आ गए। किला देखो, जंगल बन गया। पहले जिंदा रहते थे ना, तो इनके किले से
कैसा लगा? एक कंस्ट्रक्ट किस तरीके से किया कि यहाँ से वाइड रखो आगे से तंग ताकि आगे से कोई गोली ना आए। देखो यहाँ से वाइड ये स्पेस ज़्यादा है, वहाँ से नैरो है ताकि यहाँ से आराम से गोली मारा जा सके, वहाँ से आना है। आ भी गए तो मतलब बड़े मुश्किल से। हाँ यार ये बात भी सही है। बात तो सही है। आखिरी टावर तक। हाँ ये है चौथा टावर। यहाँ पे कुछ जीव जंतु कुछ प्राणी रहते थे। यही जंगल था ना जिसमें मिर्ज़ापुर में वो त्रिपाठियों के पापा देखा करते थे, शेर और शेरनी का परिवार। कंट्रोल उदय कंट्रोल परिवार भी। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो यहाँ जंगल नहीं होता था। देखो यार लद्दाख में खेती बाड़ी कर करके बड़े मुश्किल से 2-3 महीने लगा के प्लांट उगते हैं। यहाँ पे ना इधर इधर दीवारों पे फालतू में कितना फर्टाइल है यार। देखो लद्दाख में पानी भी नहीं है और फर्टाइल लैंड भी नहीं है। लैंड फर्टाइल है मगर मौसम वैसा नहीं है, मतलब वही क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, पानी नहीं है और तो एक छोटा सा गेट टुगेदर था हम तीनों का। तो काफ़ी टाइम भी बाद मिले थे हम लोग। तो होप आपको मज़ा आया होगा। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।